दोस्तों ये वीडियो ज़रा लंबा है, लेकिन कार्निवल में गोवा के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर दिखाए गए और अच्छे अच्छे फ्लोट्स भी हैं। तो दोस्तों सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे गोवा का कार्निवल। दोस्तों कार्निवल भी गोवा का एक मेन कल्चर है और यहाँ हम पहुँच गए गोवा के कार्निवल में। और दोस्तों ये मेरे दोस्त का ग्रुप है, इनके ग्रुप का नाम है गोइचो पोदेर। पोदेर एक कोंकणी वर्ड है, इसका मतलब है जो ब्रेड बेचता है, गोवा में इसको पाँव बोलते हैं। तो मैं अपने दोस्त के साथ ज़रा कुछ बातें बीते करते हुए और उनके ग्रुप के मेम्बर्स को दिखाती हूँ। और यहाँ पे एक लिटिल स्टार गाड़ी चला रहा था। दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टीम्स यहाँ पे बस रेडी हो रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। कार्निवल अभी तक शुरू नहीं हुआ था। कार्निवल का जो कंपटीशन रहता है वो स्टेज के पास रहता है और इनकी एक लंबी रैली भी रहती है जो लोगों को दिखाने के लिए होती है, लेकिन वो भी आगे थी। हम दोस्तों वहाँ पर आए थे जहाँ पर डिफरेंट टीम्स रिपोर्ट कर रही थी, तो हम वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आके एक कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे थे। दोस्तों ऐसे भी लोग हैं जो जानवरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और उन्हीं में से ये भी एक टीम थी जो जानवरों के बारे में कुछ अवेयरनेस करना चाहती थी। और ये कुछ है जिनको मैस्कॉट्स बोलते हैं। मास्कॉट्स मतलब जो फ्रेंडसीडर्स टाइप रहता है। इनका परफॉर्मेंस हम आगे देखेंगे, थोड़ी सी झलक आपने वीडियो के स्टार्ट में देखी होगी। तो आओ दोस्तों आगे वीडियो एंजॉय करते हैं। बीच बीच में मैं आपको बताते रहूँगा, लेकिन ज़्यादातर आप समझ जाओगे। डिफरेंट डिफरेंट फ्लोट्स है, डिफरेंट डिफरेंट गोवा के कल्चर दिखाए हुए बताए हुए। दोस्तों यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, गोवन म्यूजिक चल रहा था, लेकिन कॉपीराइट्स और क्लेम की वजह से मैं वो म्यूजिक ऐड नहीं कर सकता।
जी नहीं दोस्तों, नॉर्मली मैं ऐसे नहीं चलता, लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था तो उसके बीट की वजह से और मेरे हर वीडियो की तरह मेरा मस्ती मजाक चल रहा था। दोस्तों, ये जो पूरा ग्रुप है वो गोवंस फिशरमैन कल्चर, मतलब जो मच्छी बेचते हैं, उनका कल्चर दिखा रहा था। अब गोवा है और आप लोगों को तो पता ही है, गोवा मतलब मच्छी तो इम्पोर्टेंट है, मच्छी सबसे मेन। जो मच्छी बेचने वाले हैं वो गोवा के बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। हम अभी मॉडर्नाइजेशन की वजह से उनको भूल रहे, लेकिन इस करने वाले में गोवा का कल्चर ही दिखाते हैं। तो फिशरमैन, ये गोवा का एक इम्पोर्टेंट कल्चर है। तो दोस्तों, ये मेरी आत्या है, आत्या माने मेरे पापा की बहन। दोस्तों, मैं गोवा का हूँ और मारगांव का हूँ, और फिलहाल जो कार्निवल चल रहा था वो मारगांव में चल रहा था, तो आगे बहुत जान पहचान के लोग मिलेंगे। दोस्तों, ये जो टीम थी वो दिखा रही थी कि हम लोग पृथ्वी को कितना पोल्यूटेड कर रहे हैं, कितना प्रदूषित कर रहे हैं प्लास्टिक के साथ। हम प्लास्टिक ठीक तरह से डिस्पोज नहीं कर रहे, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और इसी वजह से एक दिन पूरा अर्थ प्लास्टिक से ही भर जाएगा, ऐसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम सब लोग स्कूल में बचपन से सीख रहे हैं। लेकिन अभी भी हम उतने सुधरे नहीं हैं। हर कोई प्लास्टिक का रीयूज़ नहीं कर रहा, हर कोई प्लास्टिक को रिड्यूस नहीं कर रहा, मतलब प्लास्टिक का कम यूज़ नहीं कर रहा, और हम कहीं पे भी प्लास्टिक फेंक देते हैं, हम ठीक तरह से डिस्पोज नहीं करते। और जब मैंने हम बोला, मैं बस आपको नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं पूरा ठीक हूँ, कभी कभी मैं भी कर रहा हूँ, हर कोई गलती करता है, सुधरने का मौका मिलना चाहिए। सुधरेंगे, होपफुली हम जल्दी सुधरेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो हो और उस वीडियो में मस्ती मजाक ना हो तो ऐसे थोड़ी चलेगा।
और वहीं पे लोगों के बीच मुझे मेरी एक स्विमिंग स्टूडेंट मिली। दोस्तों मैं समर वेकेशन में स्विमिंग कैंप लेता था, तो उसी में से एक स्टूडेंट मुझे आज मिली। दोस्तों ये मेरी रिलेटिव भी लगती है, लेकिन वो रिलेशन कैसा और कहाँ से है वो मुझे अभी याद नहीं, तो बेटर है मैं अपनी स्टूडेंट करके बोलूँ। और यहाँ पर मैं अक्षय कुमार की पोज कॉपी करते हुए, और हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, मुझे भी अच्छा लगा। हालांकि मैं किसी ग्रुप से नहीं था, मैं हर ग्रुप में था, मैं तो अपनी ब्लॉगिंग करने आया था। एक दिन होंगे हम भी फेमस होंगे, ऐसे लोग सेल्फी वेल्फी ले लेंगे। अच्छा है,
और दोस्तों इनका जो ग्रुप था वो गोवा के फ्रॉक्स को मतलब फ्रॉक्स के बारे में कुछ दिखा रहा था। फ्रॉक्स माने मेंढक। और दोस्तों यहाँ पे रेड बुल की टीम थी जो फ्री में पार्टिसिपेंट्स को रेड बुल दे रही थी। मतलब कार्निवल में इतने धूप में चलने से लोग बहुत टायर्ड हो जाते थे। रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है जो लोगों को थोड़ी एनर्जी दे देती है। रेड बुल के बारे में तो सबको पता ही होगा, लेकिन इस कार्निवल में रेड बुल एक स्पॉन्सरर भी थी। लोगों को ऐसे फ्री रेड बुल दे के मदद भी कर रही थी, मुझे भी दिया। दोस्तों कार्निवल एक गोवा का मेन और इम्पोर्टेंट कल्चर है, एक फेस्टिवल की तरह है, जहाँ पे हर उम्र के लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े सब एंजॉय करने के लिए आते हैं, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी आप इस ग्रुप को ही देख लो, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ज़रा एज थे लेकिन दिल से अभी भी जवान थे।
दोस्तों गोवा में कार्निवाल का क्रेज, कार्निवाल का पागलपन आप इस भीड़ से देख सकते हैं। यहाँ पे शायद कुछ 4:30 या 5 बजे हुए थे, तो जरा सोच लो कि ये लोग आए कब होंगे, शायद 3 बजे या उससे भी पहले। तो दोस्तों जो कि मैंने बोला, कार्निवल गोवा में एक फेस्टिवल की तरह है, जहाँ पे उम्र की कोई सीमा नहीं है। अभी आप एक लिटिल स्टार देख रहे हो जो तितली बन के आई है या फिर आया है।
दोस्तों गोवा का कल्चर दिखाया जाए और उसमें कैजू या कैजू फेनी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और कैजू और कैजू फेनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने की मुझे शायद ज़रूरत है भी नहीं, आप लोगों को शायद पूरा पता ही हो। और ये कुछ और मैस्कॉट्स जो फ्रेंसरस कंपटीशन के लिए पार्ट ले रहे थे, लेकिन ये किसी ग्रुप से नहीं थे, ये इंडिविजुअली पार्ट ले रहे थे। शायद ग्रुप से भी हो लेकिन ये इंडिविजुअली यहाँ पे पार्ट ले रहे थे। अब इनके अटायर से आपको ज़्यादातर पता चल ही जाएगा, वरना हर एक के बारे में कुछ लिखा ही रहेगा। और दोस्तों ये है मारगांव कार्निवाल की मेन स्टेज, जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स बैठे हुए रहेंगे, जजेस बैठे हुए रहेंगे, स्पॉन्सर्स बैठे हुए रहेंगे, और जो भी टीम्स यहाँ पे आएगी वो इनके सामने परफॉर्मेंस करके दिखाएगी, उस हिसाब से यहाँ पे जजमेंट होगा। Thank you.
और ये मेरा एक अच्छा दोस्त है, इनका नाम मोहित है। ये मेरा एनसीसी में जूनियर था। हाँ, मैं एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ। ये मेरा एनसीसी में जूनियर था। फिलहाल ये प्रेस रिपोर्टिंग करता है, मीडिया चैनल में काम करता है। और इसी भीड़ में हमें दो तीन जरा अपने दोस्त मिले। ये मेरी जान पहचान वाली है, और वो जो पीछे है वो हेजल है, मेरी दोस्त। अब इनके साथ कभी मौका मिले तो एक ब्लॉग वीडियो शूट कर लेंगे। और यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड देखो दोस्तों। जब मैं वेव कर रहा था तो कोई वेव बैक नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में जब मैं कैमरा लेके आया और वेव करने लगा तब सब लोगों ने वेव बैक करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, मेरी आदत है लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की, लोगों को ज़रा अपने वीडियो में इन्वॉल्व करने की। और जब बच्चे आ जाते हैं तब और भी मैं ज़रा पिघल जाता हूँ बच्चों के साथ खेलने की, बच्चों के साथ ज़रा मज़ा करने की, बच्चों को ज़रा इन्वॉल्व करने की। तो इसी आदत के साथ मैं अपने वीडियो में बच्चों के साथ ज़रा खेलते हुए उनको ज़रा वीडियो में इन्वॉल्व करते हुए उनके साथ ज़रा हंसी मजाक करते हुए।
और यहाँ पर एक बेहतरीन कैच, अच्छी कैच पकड़ दो है मैं।
इनके ग्रुप में है छोटा सा नन्ना सा बच्चा, गाना गा रहा था। अब गाना भी मैं अपने वीडियो में डाल नहीं सकता, वो कॉपीराइट्स और क्लेम की वजह से। और दोस्तों अभी बारे थे मेरे दोस्त के ग्रुप की, उनके
उनके ग्रुप का नाम था गोइजो पोदे। तो दिखाते हैं उन्होंने क्या किया। हमने यहाँ से दूसरों से नहीं छोड़ा, ये तो मेरे दोस्त का ग्रुप था, इनसे बिस्किट कैसे छोड़ देता। और कुछ जान पहचान वाले मुझे मिलते हुए, और ये था एक नन्ना सा शैतान गाड़ी चलाते हुए उनके ग्रुप के लिए। दोस्तों गोवा में पाव मतलब ब्रेड पहले बहुत फेमस थे। और यहाँ पे मैं अपने दोस्त के ग्रुप के साथ डांस करते हुए, ये जो सामने है वो मेरी दोस्त है एंटोनेट करके, वो एक मॉडल भी है। उनका इंस्टाग्राम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्दी हमारा वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुका है, एक सोलो व्लॉग वीडियो उनके साथ हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। और वहीं पे मुझे अपनी एक पुरानी दोस्त मिल गई, इनका नाम रुनाली है। कभी हमारा नसीब खुले तो इनके साथ व्लॉग वीडियो कोलैबोरेट करेंगे। और ये उनकी दोस्त थी। मैंने नाम नहीं पूछा था, लेकिन मेरे पास ऑफर करने के लिए बस बिस्किट थी, और मेरा मान रखते हुए उन्होंने वो ले भी ली। और अगले ग्रुप में एक नन्ना लिटिल स्टार वीडियोग्राफर बना हुआ था,
तो मैं एक्टर बन के उसके सामने पोज करते हुए, ज़रा उसको भी ज़रा इन्वॉल्व करते हुए, ज़रा मैं भी ज़रा इन्जॉय करते हुए, हमारा भाई मस्ती मजाक चलते रहता है वीडियो में। और दोस्तों गोवा में और एक चीज़ फेमस है, वो है नारियल। और मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं कुछ नहीं छोड़ता, फ्री में कुछ भी मिले मैं ले लेता। और दोस्तों ये वही मैस्कॉट्स है जिनको आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा। आओ देखते हैं इनकी पूरी झलक।
और कार्निवल के लिए आए थे दोस्तों, तो हमने ज़रा कुछ शॉपिंग भी कर ली। बहुत लेट हो गया था, लेकिन कार्निवल मास्क खरीदना तो बनता था।
करेंगे। और कार्निवाल से निकलने के बाद हम पहुंचे गोवा की फेमस डिश और मेरी फेवरेट डिश खाने, रॉस आमलेट। दोस्तों, ये रॉस आमलेट है गोवा की एक फेमस डिश और मेरी फेवरेट डिश।